आशा रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज जनपद गाजीपुर में भी 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम सभी लोगों ने ये शपथ ली कि हमारे जनपद में जितने भी मतदाता हैं वो आने वाले चुनाव में 7 मार्च को 100% मतदान करें और हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मूल्यों को मजबूत बनाएं। सर, वोट प्रतिशत जनपद में पूरा बढ़ाने का कार्य चल रहा है, इसके साथ ही किन विधानसभाओं में मेन फोकस है वोट प्रतिशत बढ़वाने के लिए? पिछले यदि हम 3 सामान्य निर्वाचनों का अध्ययन करें तो पाते हैं कि जमानिया और मोहम्मदाबाद 2 विधानसभाएं ऐसी रही हैं जहां जो हमारा जनपद का परसेंटेज औसत रहा है उससे कम मतदान हुआ है। 5 जब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई थी तब तक हम LED वैन के माध्यम से और EVM टीमों के माध्यम से प्रचार करा रहे थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हमने ये टीमें गठित की हैं विधानसभावार और उन बूथों को आइडेंटिफाई किया है जिन जिन बूथों पर औसत से कम मतदान हुआ है। उन बूथ क्षेत्रों में उन गाँवों में मतदाताओं के बीच हमारी टीमें जाएंगी और उनको प्रेरित करेंगी, उन्हें बताएंगी कि वो मतदान अवश्य करें और हम सभी मतदान केंद्रों पर उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं इसे भी हम उन्हें अवेयर करेंगे। सर, संवेदनशील बूथों के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? कानून और शांति व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे और हमारे सभी मतदाता निर्भीक होकर और भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग और क्रिटिकल के साथ साथ सेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी बूथ्स का भी सर्वे करा लिया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है जिस भी प्रकार के लोगों के साथ यदि उनसे शांति व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न होने की संभावना है तो उन्हें भी आइडेंटिफाई कर लिया है और जितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं या पूर्व में उनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है उन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है और जिनके साथ जैसा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए हम और हमारी पूरी टीम उनके साथ वैसी ही कानूनी कार्रवाई कर रही है।